हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज ज़ारा और ज़ैनब अपने फूफी के बर्थडे में जा रही है, उसी का ब्लॉग हम आपके लिए लाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। कैसे हमने तैयारी की और कैसे गए, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। और ज़ारा कितना एक्साइटेड थी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, उसने लखनवी सूट पहना है और वहाँ कितना इंजॉय किया सब आप देखेंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट। जारा कहाँ जा रही है घूमी घूमी? भाई कहाँ पे? बर्थडे कहाँ जा रही है? पापा को ले जाओगी? जैनब आकी वॉच दिखा दो सबको, आकी वॉच और आकी शूज। वाओ। और दादी का है? दादा का है? दादा 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 किसी कर दो, दादा किसी कर दो। ज़ारा ज़ैनब तैयार हो गई है। ज़ैनब के साथ हम थोड़ी सी फ़ोटो शूट करा रहे हैं। ज़ैनब पहली बार बर्थडे पार्टी में जा रही है, जब से हुई है 2 मंथ की होने जा रही है। अभी कहीं नहीं गई थी, सिर्फ वो अपनी नानी के घर गई थी और आज वो बर्थडे पार्टी में जा रही है। तो हम लोग भी एक्साइटेड हैं ज़ैनब को लेके जाने के लिए। ये अब ज़ारा और ज़ैनब बिल्कुल रेडी है। हम पहले मार्केट जाएंगे, फिर हम बर्थडे पार्टी में जाएंगे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं पार्टी के लिए। ज़ारा सबको बाय कर रही है, अपने चाचू को, पापा को, सबको बाय कर रही है। और अब हम लोग फाइनली निकल रहे हैं, हम पार्टी में जाने को तैयार हैं। आप भी देखिएगा ज़ारा ने पार्टी में कितना एंजॉय किया। ज़ारा को बर्थडे पार्टी बहुत पसंद है। अब ज़ारा गाड़ी में बैठते ही दुआ पढ़ती है और सबको पढ़ने के लिए कहती है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आदत है। तो चलिए आप भी इस ब्लॉग को देखिए और इन्जॉय कीजिए। येलो वाला दे दो। हाँ दे दो, हाँ यही दे दो, एक दे दो। मैं कह रही हूँ ये देखो ना कितने गरम दिए एकदम। ये तो उठा गरम है भैया, ये तो बहुत गरम है, कौन पिएगा ये? ऐसे ही है अनवर, इसको जूस इसमें डाल दो, फ्रिज में, फ्रिज में डाल। बेटा कितने पैसे दे दूँ? इसको ला, ये फ्रीजर में डाल दे। हाँ भाई फ्रीजर में डाल, है ना गाड़ी में तो आज भैया हमेशा कौन रहता है? ले ले बेटा, आसानी हो जाएगा ना। लीजिए, जबरदस्ती लीजिए। हाँ जबरदस्ती लीजिए, हाँ लीजिए। आ चलो, कहाँ है ज़ारा? कहाँ है ज़ारा? अरे बोलो, 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 Look at that.
चला थोड़ी। खेल रही है। पूछे ना घर जाओगी? केक कट गया है, अब सब लोग खाना खा रहे हैं। बच्चे भी अभी खाना, पहले बच्चे खा रहे हैं। बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद आई है और बड़े लोग भी, सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना काफ़ी टेस्टी बना था, भाभी ने बनाया था। सबसे ज़्यादा स्पेशली कोरमे की बहुत तारीफ़ हुई, इन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की। कोरमा काफ़ी टेस्टी बना हुआ था और सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खाया और पार्टी को काफ़ी इंजॉय किया। एक्चुअली बच्चों ने तो सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चे खेल खेल के थक ही नहीं रहे थे। बच्चे तो सिर्फ खेलना ही चाह रहे थे, सब साथ मिल गए थे, छोटे बड़े सभी बच्चे साथ मिल गए थे। हम लोग भी काफ़ी दिन पे मिले थे तो सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आया। ज़ारा फिश के साथ खूब खेली, ज़ारा को फिश बहुत पसंद है, ज़ारा ने भी खूब इंजॉय किया और हम लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। नीचे देखो, नीचे देखो, वो तो खाने, अरे सही में वो जब डाला रहा सब ऊपर चले गए खाने के लिए। जरा अब चलो ज़ारा बिल्कुल बर्थडे से जाना नहीं चाह रही है उससे। सब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सबके साथ काफ़ी मस्ती कर रही है। हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा, सभी से मिलने का मौका मिला। ज़ैनब हमारे साथ पहली बार बर्थडे पार्टी में आई है, ज़ैनब की ये पहली बर्थडे पार्टी है। वो 29th को 2 मंथ की हो जाएगी। कुछ किसी को भी जाने देने का दिल नहीं कर रहा है, ना हमारा कर रहा है ना बच्चों का, लेकिन क्या करें, रात काफ़ी हो गई है, हमें जाना भी है, बच्चे छोटे हैं साथ में, तो अब हम घर जा रहे हैं और अब हम निकलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो फिर मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी ज़ारा और ज़ैनब की। तो जब तक के लिए फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।